दोस्तों नमस्कार, आज मैं हूँ बाबूलाल जी के यहाँ और इनकी जो ये गाय है ना, इसको एक विशेष समस्या हो गई है, वो इन्हीं से हम जानेंगे। हम आए थे यहाँ पर इसकी पीडी करने के लिए और पीडी हो गई है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, और ये पॉजिटिव निकली है। तभी इनका कहना यह है कि जब से ये गाभिन हुई है ना, तभी से दूध लगातार कम हो रहा है। आपने बाबूलाल जी कितने दिन हो गए AI करवाए हुए? ये सर 15 अक्टूबर को इन्होंने AI करवाई थी। तो आज अमूमन देखें तो आज की अगर आप डेट देखोगे तो आज देख लीजिए 26 हुए हैं, तो 26 तारीख होगी, तो ये इतने दिन इन हो गए हैं पॉजिटिव हुए। तो पहले कितना दूध निकलता था? पहले सर दोनों टाइम का 15 लीटर 15 लीटर दूध दोनों टाइम का निकल रहा था। बहुत ही अच्छी गाय है, आप देख पा रहे हैं, देसी गाय है, क्योंकि ये गौ भक्त हैं और देसी गायों में इनका रुझान रहता है। एक दो गाय अपने घर पे रखते हैं, फार्म पर इनके 3-4 गाय और है। वहाँ कितनी गाय है? वहाँ है सर कम से कम 8 से 10 गाय 8-10 गाय कर ली इस बार, तो वहाँ है, एक ही अपने घर पे रखते हैं। तो यहाँ इस गाय को देखने के लिए मैं आया हुआ था, तो पीडी करने के लिए इन्होंने बुलाया कि सर आज बोल रही है हल्की सी, ये थोड़ा सा कर रही थी, तो हमने देखा तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है और दूध हो गया है कम, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी आपने? कोई दवाई दी क्या? नहीं सर, कोई दवाई। वो एक कीड़े वाली बता रहे थे, वो तो कीड़े वाली दी थी वो आपने तो। हाँ, वो एक दवाई इन्होंने पहले दी थी, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दूध बिल्कुल सूख गया, तो इस वजह से ये बड़ी दिक्कत हुई है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ, तो इनको अब क्या है कि भाई गर्मी पहले से ही है, शरीर में लग रहा है इनको गर्मी है, तभी ये हीट के हल्के हल्के लक्षण दिखा रही थी, तो इस वजह से इनको डर लगा। तो ऐसी शिकायत में हम क्या करेंगे, दूध बढ़ाने के लिए क्या देंगे? आज दो दवाएं मैंने जो आपको लिख के दी थी वो मंगवाई क्या आपने? हाँ, वो बचा गया अभी। बचा गया है क्या? वो एक दवा मैंने लिख के दी थी इनको और वो है परक का मिल्क मैजिक, मैंने लिख के दिया था, और ये एक हम इनको दे रहे। ला बेटा, ला मुझे दे, मुझे दे बेटा। एक हम इनको दे रहे हैं मिल्कोफिट प्लेटिनम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार रहेगा। मिल्कोफिट प्लेटिनम में आपको पता है विटामिन मिनरल भरपूर है। अरे लेके आ गए क्या? बहुत बढ़िया। और ये मार्केट से लेके आए हैं, मैंने इनको लिख के दिया था, बहुत बढ़िया यार। मिल्क मैजिक, परक का मिल्क मैजिक, भाई ये दोनों चीज़ें जो है ले जाओ, ये दोनों चीज़ें अगर हम देते हैं, एक तो परक का मिल्क मैजिक है और एक मिल्कोफिट प्लेटिनम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। खाने में मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहूँगा कि आप जो पहले चापड़ वगैरह जो दे रहे थे ना, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, चापड़ बंद करनी पड़ेगी। और हम इसको बैलेंस डाइट में इनको लिख के दे रहा हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ ना गाभिन को क्या देना चाहिए, थोड़ा सा जो ऐड करेंगे, क्योंकि पुख्ता गाभिन हो गई है और गर्मी भी है इसके, तो जो हम ऐड जरूर करेंगे अनाज के रूप में, मक्का और गेहूं भी मैंने इनको बता दिया है, और खली के लिए इनको कह दिया है, और चोकर जो भी है वो सारी चीज़ें, चूरी वगैरह सब इनको मैंने लिख के दे दिया है कि डाइट को बैलेंस्ड करो, और बैलेंस्ड डाइट में फिर ये मिला करके दो, फिर देखो कैसे दूध कम होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शानदार है। और खाने में भी आप ध्यान रखना, जो मैंने सोयाबीन बताई थी, याद रहा कैसे बताई थी? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बताई थी? सोयाबीन को 10 किलो ला के उसको गर्म करके वो, हाँ, सेकना है, रोस्टेड करना है, और रोस्टेड करके अगर ये देंगे ना भाई, रोज़ की 250-250, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा ख्याल रखते हैं गायों का, तो रोज़ 250-250 ग्राम देंगे सोयाबीन, तो भाई बहुत अच्छा काम करेगी। ये गुड़ दे रहे थे, लेकिन गुड़ एक बार के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि गुड़ एक बार के लिए थोड़ा सा कम कर दें, बंद कर दें, और बैलेंस डाइट में ये मिला करके देंगे ना, तो बिल्कुल दूध भी बढ़ जाएगा और कोई शिकायत नहीं रहेगी, गाभिन भी आराम से ब्याएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता करो ही मत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कि तो ये प्रबंध कर सकते हैं, ये अगर पाउडर नहीं भी मिले ना, तो आप कोई सा भी अच्छा सा मिनरल मिक्सचर लेकर के आ जाइए जो गाभिन के लिए सुरक्षित हो, और कोई से भी दूध बढ़ाने का पाउडर फॉर्म जो ग्रेन्यूल में आता है या कोई भी पाउडर फॉर्म मिल जाए वो दीजिए, लेकिन जहाँ से भी आप ला रहे हैं नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह कर लीजिए कि भाई ये गाभिन के लिए सर सुरक्षित है या नहीं है, वही चीज़ दूध बढ़ाने की देनी है जो गाभिन के लिए सुरक्षित हो, या जो वीडियो में बताया आपको सोयाबीन और बैलेंस्ड डाइट, वो भी करके और आप अच्छी तरीके से दूध बढ़ा सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।